एक मई साल 1776 जर्मनी के एक शहर में 5-6 लोगों का एक ग्रुप एक साथ बैठता है और यहाँ एक खुफिया सोसाइटी के बारे में सभी तरह के फैसलों पर निर्णय लिया जाता है, जिसका नाम इल्यूमिनाटी रखा गया था। यहाँ से शुरू होती है कुछ ऐसी थ्योरीज, कहानियां और किस्से जिन पर यकीन करना ना करना अपनी अपनी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन अगर हम इनको सच मानकर चलें तो दुनिया को जानने समझने और सोचने का एक नया रास्ता हमें देखने को मिलता है, जो डरावना भी है, सबसे खास भी है और हर तरह से अलग भी है। आप में से जितने भी लोगों ने इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है वो ये बात तो जरूर मानते होंगे कि कोई इस सोसाइटी पर बिलीव करे या ना करे, लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से इसे पूरी तरह से नकार नहीं सकता, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है वो कहानियां जो हमें बार बार इल्यूमिनाटी की तरफ ले जाती हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भी चलते हैं इल्यूमिनाटी के इतिहास की तरफ और बताते हैं आपको कि कौन कौन सी कहानियां इल्यूमिनाटी को इतना खास बनाती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत मध्य यूरोप के एक राज्य बवेरिया से शुरू होती है। यहाँ के एक शहर इंग्लोस्टाड में एडम बाइसेप्ट का जन्म हो, जो ऐसे यहूदी लोगों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले परिवार में पैदा हुआ था जिन्होंने बाद में जाकर ईसाई धर्म अपना लिया। बाइसेप्ट को अलग अलग क्षेत्रों को जानने समझने और पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। विज्ञान और धार्मिक कानूनों में इनकी विशेष रुचि थी और एक ऐसे माहौल में जहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, बाइसेप्ट ने साल 1768 में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की और फिर साल 1773 के आसपास इंग्लोस्टाड यूनिवर्सिटी में धार्मिक कानूनों के प्रोफेसर भी बन गए थे। बाइसेप्ट पढ़े लिखे कुलीन व्यक्ति थे, लेकिन पादरियों के जरिए चलने वाली यूनिवर्सिटी में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पादरी नहीं थे, इसलिए बाइसेप्ट को ऐसी बहुत सी सिचुएशंस का सामना करना पड़ा जिन्होंने इस व्यक्ति को अपने आसपास के सिस्टम, धार्मिक महत्व और कट्टरता और बाकी बातों के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। दुनिया में वो समय था जब धार्मिक कट्टरवाद, अंधविश्वास और बड़े लोगों के अत्याचार अपने चरम पर थे और ऐसे में बाइसेप्ट को कुछ ऐसे लोगों को या कहें कि ऐसे संगठन की जरूरत थी जो इन सभी के खिलाफ आवाज उठा सके। इसलिए एडम ने फ्रीमेसन नाम के एक संगठन से जुड़ने का मन बनाया, जो आजाद ख्याल लोगों का ग्रुप था और यहाँ शामिल लोग धर्म और दर्शन की बातें किया करते थे। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद से लेकर मोतीलाल नेहरू तक बहुत से भारतीय लोग भी अपने जीवन काल में इस ग्रुप का हिस्सा रहे थे, मगर एडम यहाँ अपनी जगह नहीं बना पाए क्योंकि उनके अनुसार इस संगठन में किसी के विरुद्ध खड़े होने के लिए आवश्यक क्रांतिकारी सोच नहीं थी। और फिर 1 मई साल 1776 का दिन आया जब रात के अंधेरे में एडम और उनके 4 छात्रों ने एक नए संगठन का निर्माण किया और यह प्रण लिया कि वे इस संगठन की जानकारी किसी से भी साझा नहीं करेंगे। अलग अलग नियम बनाए गए जिसमें से एक के अनुसार संगठन में शामिल होने की उम्र 18 से 30 वर्ष रखी गई और उल्लू को इस संगठन का प्रतीक चिन्ह बनाया गया। साथ ही संगठन को यहीं पर इल्यूमिनाटी का नाम मिल गया। उल्लू इसलिए क्योंकि रोमन मान्यताओं के अनुसार यह जीव विजडम की देवी मिनर्वा का साथी होता है और इस तरह एक बात समझ में आती है कि इल्यूमिनाटी का असली चिन्ह वो नहीं था जो आज हम देखते हैं, जिसमें एक त्रिकोण आकृति में आंख दिखाई जाती है। वह चिन्ह इस संगठन के स्ट्रक्चर को प्रतिबिंबित करता है। यह एक सीक्रेट संगठन था जिसके सदस्य अलग अलग लोगों को रिक्रूट करने का काम करते थे और उसका भी अपना एक सिस्टम हुआ करता था। किसी कमजोर दिल और दिमाग वाले व्यक्ति को संगठन में शामिल नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा भी जो सदस्य थे उन्हें अलग अलग लेवल्स में बांट दिया गया था और ये लेवल भी 3 क्लासेस में बटे हुए थे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण किंग था, जहां एडम ने खुद को रख दिया था। 5 सदस्यों से शुरू हुआ यह संगठन कुछ ही समय में 3000 लोगों का संगठन बन गया और साल 1777 में चार्ल्स थियोडोर का बबीरिया की गद्दी पर बैठने से भी इस संगठन को फायदा हुआ और इस संगठन के लोग आसपास के देशों तक भी फैल गए थे। लेकिन इसके बाद गद्दी पर बैठने वाले कार्ल थियोडोर के सामने जब कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी जो उस समय के ज्यादातर धार्मिक मान्यताओं में मानने वाले लोगों से अलग थी, तब कार्ल को यह यकीन होने लगा कि इसके राज्य में कोई संगठन सक्रिय है जो नई सोच को हवा देने का काम कर रहा है और इसलिए कार्ल थियोडोर ने इस तरह के सभी सीक्रेट समूहों से जुड़े लोगों को खत्म करने का आदेश दे दिया। एडम को अपना घर छोड़ करके भागना पड़ा। इस संगठन के ठिकानों पर छापे पड़े जहाँ से कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए जो ये बताते थे कि इल्यूमिनाटी नाम का संगठन सच में दुनिया पर कब्जा करने की सोच को लेकर तैयार हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आकर इल्यूमिनाटी नाम का संगठन पूरी तरह से खत्म हो गया था, मगर फिर साल 1797 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार इल्यूमिनाटी के सदस्य बाकी संगठनों में जाकर मिल गए थे और वहाँ इन लोगों ने अपने संगठन के वजूद को ज्यों का त्यों बनाए रखा था। एडम ने आगे चलकर एक किताब भी लिखी जिसमें इल्यूमिनाटी के बनने के पीछे की सही सोच, मकसद
और सभी जरूरी बातें थी और यह किताब आज भी जर्मनी के एक म्यूजियम में सुरक्षित है। हालांकि इसको पढ़ने की इजाजत अब किसी को भी नहीं है। यहाँ से 20वीं शताब्दी के 6वें दशक में एक बार फिर अलग अलग किताबों और उपन्यासों के जरिए इल्यूमिनाटी फिर से दुनिया के सामने आया और आज तक किसी न किसी तरह से हमारे सामने यह नाम और इसकी कहानियां आती रहती हैं। इल्यूमिनाटी शब्द इल्यूमिनाट से बना है जिसका अंग्रेजी भाषा में अर्थ है इनलाइटमेंट, यानी कि यह संगठन लोगों को कट्टरता और अंधविश्वास से उठाकर अपने तरीके से जिंदगी बिताने पर जोर देने वाले लोगों से बना था। इस संगठन का मानना था कि अगर कोई महिला किसी कारण के चलते अपने बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती तो उसे अबॉर्शन का हक होना चाहिए। इसके अलावा इस संगठन का यह भी मानना था कि व्यक्ति को अपनी तरह से जीने का हक होना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी से खुश नहीं है तो सुसाइड करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ इस संगठन की सोच में थोड़ा बहुत बदलाव होता चला गया और अब इस संगठन का मकसद शायद यह बन गया था कि लोगों को अपनी पसंद के अनुसार जीने का हक जरूर होना चाहिए, मगर वो पसंद क्या होगी ये हक किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा। इल्यूमिनाटी ने अपने नए उदय से खुद को दुनिया की एकमात्र रूलिंग पावर बनाने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया और आज कहा जाता है कि दुनिया के 70% सबसे धनवान व्यक्ति इल्यूमिनाटी का हिस्सा है। CIA ने 20वीं सदी में एक किताब के बारे में पता लगाया था जिसका टाइटल ब्लड लाइन ऑफ इल्यूमिनाटी था, जिसमें कुछ परिवारों और लोगों का जिक्र किया गया था जो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए थे। माना जाता है कि दुनिया की 99% दौलत 13 अलग अलग परिवारों या डायनेस्टी के हाथों में है, जिनमें एस्टर, ली, कॉलिंस और कैनेडी परिवारों के नाम आते हैं और बहुत ज्यादातर चांसेस हैं कि इस किताब में इन्हीं परिवारों का जिक्र किया गया है। इल्यूमिनाटी से जुड़े ज्यादातर सफल लोग म्यूजिक की दुनिया से वास्ता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, जिसका एक कारण यह भी है कि म्यूजिक इस दुनिया की एकमात्र चीज है जो हर एक व्यक्ति को पसंद होती है, इसलिए म्यूजिक के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी सबसे ज्यादा आसान होता है। इल्यूमिनाटी को मानने वाले लोग यह भी मानते हैं कि यूट्यूब के एल्गोरिदम से लेकर आप अपने आसपास क्या देखते, सुनते और महसूस करते हो वो सब कुछ इल्यूमिनाटी ही तय करता है। युद्ध से लेकर महामारी और स्टॉक मार्केट तक हर चीज इल्यूमिनाटी के इशारों पर चलती है। और आप ही सोचिए कि जिस संगठन के पास दुनिया की 99% दौलत है वो संगठन विश्व बैंक से लेकर किसी भी गवर्नमेंट को भी चला ही सकता है और ये सब कुछ हम जैसे आम लोगों को किसी तरह और किस हद तक प्रभावित करते हैं ये शायद बताना जरूरी नहीं है। आज की दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वो प्राइवेट रख सकता है या अकेला ऑन कर सकता है। आज की दुनिया में आपकी हर चीज इंटरनेट पर उपलब्ध है और इंटरनेट के जरिए वो इल्यूमिनाटी या किसी भी तरह के दूसरे लोगों के हाथों में है, मगर यह एक भ्रम ही है जिसकी वजह से हम आप फिर भी आश्वस्त रहते हैं। यहाँ आकर आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि 18वीं शताब्दी के बाद ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने इल्यूमिनाटी को फिर से लोगों की जुबान पर ला दिया था और कौन से बड़े लोग इल्यूमिनाटी में किसी न किसी तरह शामिल हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इल्यूमिनाटी में शामिल होने वाले लोगों को देखा जाए तो इसमें न्यूटन से लेकर जॉन एफ कैनेडी, माइकल जैक्सन से लेकर हनी सिंह, बिल गेट्स से लेकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े बड़े नाम शामिल होते हैं। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं और आज भी हमारी डेली लाइफ पर ये बहुत बड़ा असर रखते हैं। मार्क जुकरबर्ग का नाम उनमें से एक है। अब चलिए उन घटनाओं पर बातें करते हैं जो इल्यूमिनाटी की थ्योरीज को पुख्ता करने का काम करती है। साल 1961 में कैनेडी अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति बनाए गए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद इल्यूमिनाटी का हिस्सा थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया के 13 सबसे ज्यादा अमीर परिवारों में कैनेडी परिवार का नाम भी आता है और ये सभी परिवार इल्यूमिनाटी में शामिल थे, तो ये बात बहुत हद तक सही भी हो सकती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति भी इस संगठन का हिस्सा था। जॉन एफ कैनेडी के समय CIA के डायरेक्टर अलान ड्यूस थे जो इल्यूमिनाटी के सदस्य थे, मगर कैनेडी राष्ट्रपति बनने के बाद इस संगठन को एक्सपोज करना चाहते थे और इसलिए कैनेडी ने अलान को उनके पद से हटा दिया था। अलान ड्यूस हमेशा उत्तेजित भावना रखने वाले व्यक्ति थे और इसलिए कैनेडी को उनसे एक तरह से डर भी था और इसलिए उन्होंने ड्यूस को हटाया और उसके बाद अमेरिकी सैन्य शक्ति और CIA के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहुत से बदलाव भी किए। मगर 2 साल बाद साल 1963 में कैनेडी की हत्या कर दी गई और जहां उनकी हत्या हुई थी वहां पर लोगों ने एक महिला को देखा था जिसके पास कैमरे जैसा एक उपकरण था जिसमें पिस्टल छिपाया हुआ था जिससे कैनेडी की हत्या हुई थी। और इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस महिला को 22 नवंबर के उस दिन के बाद और न उससे पहले किसी ने देखा तक नहीं था। वो कौन थी और कहां चली गई कोई भी नहीं जानता और न ही किसी को यह पता है कि जॉन एफ कैनेडी की हत्या क्यों हुई थी। जॉन एफ कैनेडी की हत्या पर जांच करने की जिम्मेदारी अलान ड्यूस को मिली थी जिन्हें कैनेडी ने CIA से हटा दिया था और ड्यूस ने अपनी रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया था कि कैनेडी खुद को भगवान समझने लगे थे और देखिए उनकी मृत्यु हो गई है।
बात करते हैं सिम्पसन की। आपने यह नाम तो कभी न कभी जरूर सुना होगा या अपने सीरीज का कोई एपिसोड या इस पर बनने वाले मीम्स कहीं न कहीं जरूर देखे होंगे। कहा जाता है कि सिम्पसन के क्रिएटर ने आज तक अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने नहीं रखी है और जिस तरह की बातें उन्होंने अपने शो में बताई हैं, उनको देखकर दुनिया आज सिम्पसन के क्रिएटर को टाइम ट्रेवलर मानती है। क्योंकि सिम्पसन अगर आपने देखा होगा जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेकर कोरोना और लेडी गागा से जुड़ी अलग अलग भविष्यवाणियां की गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को आज से 25 साल पहले ही सिम्पसन में उनकी हूबहू हेयर स्टाइल के साथ दिखा दिया गया था। सिम्पसन में बताई गई सभी बातें सच साबित हुई हैं और भारत पाकिस्तान को लेकर एक बात जो सिम्पसन के अनुसार साल 2024 में होगी वो ये है कि सिम्पसन में दिखाया गया है कि साल 2024 में भारत पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। अब जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि सिम्पसन को बनाने वाले व्यक्ति को इल्यूमिनाटी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी एक लंबे समय से दुनिया में होने वाले सभी बड़े इवेंट्स के लिए जिम्मेदार है और इन इवेंट्स में से एक कोरोना महामारी भी है। जो किस तरह से शुरू हुआ था इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। सभी की अपनी अपनी सोच है और सभी के पास अपने अपने कारण भी है। ऐसा एक कारण कुछ लोग इल्यूमिनाटी को भी बताते हैं, जिसके पीछे यह बात रखी जाती है कि पोपी नाम का एक आर्टिस्ट है जिन्होंने दुनिया में कोरोना से रिलेटेड सबसे पहला केस आने के 5 दिन पहले एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था डोंट गो आउट। अगर आप उस गाने को ध्यान से सुनते हो तो उसमें कोरोना से रिलेटेड बहुत सी बातें बताई गई हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इतना पहले ही इस महामारी के बारे में जानकारी मिल गई थी? जी हाँ दोस्तों, पॉप कल्चर की दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार माइकल जैक्सन के बारे में भी कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए थे और इस संगठन को एक्सपोज करने वाले थे। अपने एक एल्बम में जैक्सन ने इल्यूमिनाटी के बारे में बताया भी था, इसलिए माइकल जैक्सन की मौत के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। और हर बार की तरह माइकल जैक्सन की मौत के पीछे का सही कारण भी किसी को पता नहीं है। एक ऐसा चर्चित नाम रैपर टूपाक का भी है जिनके लिए कहा जाता है कि वो इल्यूमिनाटी में शामिल थे और बहुत से मौकों पर उन्होंने किसी न किसी तरह से इस बात को जाहिर भी किया था। लेकिन फिर उन्होंने एक एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम था किलुमिनाटी और यह एल्बम उनकी जिंदगी का आखिरी एल्बम साबित हुआ जिसके बाद रैपर टूपाक की हत्या कर दी गई थी। मगर यह किसने किया इसकी जानकारी आज तक किसी को भी नहीं है। आपने जिम कैरी का नाम सुना होगा, उन्होंने टीवी शो के दौरान सांकेतिक तौर पर इल्यूमिनाटी की डिसरिस्पेक्ट कर दी थी, इसलिए बहुत जल्द ही उनका करियर बर्बाद हो गया था। माना जाता है कि अगर कोई आर्टिस्ट इल्यूमिनाटी के संपर्क में है तो आर्टिस्ट कहीं न कहीं अपने हाथों से इल्यूमिनाटी से जुड़ा वो फेमस ट्रायंगल शेप बनाता है जिसके बीच में उसकी आंख होती है, जो कुछ लोगों के अनुसार शैतान को दर्शाता है। और कुछ लोग मानते हैं कि इल्यूमिनाटी का यह चिन्ह यह बताता है कि संगठन की नजर पूरी दुनिया पर है। मगर जिम कैरी ने एक शो के दौरान ट्रायंगल शेप बनाया और उसके बीच में अपनी जीभ भी ले आए थे जो किसी को चिढ़ाने जैसा लग रहा था, और इसलिए कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी ने उनका करियर खत्म कर दिया था। इल्यूमिनाटी को लेकर बहुत सी और बातें भी चर्चित हैं, जिनमें से एक यह है कि अगर आप अपने घर के सामने कभी दो उल्लुओं को एक साथ देखते हैं तो यह एक तरह से निशानी होती है कि आपको इल्यूमिनाटी में शामिल होने का इनविटेशन मिलने वाला है। और जो लोग इल्यूमिनाटी में शामिल हो जाते हैं उनको अचानक से अपने क्षेत्र में फेम मिल जाती है और अचानक से उनके गाने, उनकी फिल्में और बाकी कोई भी चीज हिट होने लगती है। लेकिन जैसे ही कोई आर्टिस्ट या कोई भी व्यक्ति इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने की कोशिश करता है तो उसको आसमान से जमीन पर लाने में और कभी कभी खत्म करने में भी इल्यूमिनाटी को समय नहीं लगता है। हनी सिंह के साथ भी इस बात को जोड़ करके देखा जाता है जिन्होंने अलग अलग जगहों पर बहुत बार इल्यूमिनाटी से जुड़ी बातें बताई है, हालांकि उन्होंने कभी भी खुद को उस संगठन का हिस्सा नहीं माना है। कहा यह भी जाता है कि जो व्यक्ति इल्यूमिनाटी में शामिल होता है उसे अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है, उसे अपनी आत्मा का एक तरह से सौदा करना पड़ता है और उसके बाद ना ही वह व्यक्ति वापस बाहर जा सकता है और ना ही उसे इल्यूमिनाटी के बारे में कुछ भी किसी को बताने की आजादी मिलती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से नियमों के अनुसार नहीं चलता तो फिर उसे खत्म कर दिया जाता है, जैसा कैनेडी के साथ हुआ था। इल्यूमिनाटी के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं। कहा जाता है कि 9/11, 26/11 से लेकर बहुत से हमले और युद्ध, यहाँ तक कि रशिया और अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव भी इल्यूमिनाटी के इशारों पर होता है। 250 साल पुराने इस संगठन का भारत से भी एक बहुत बड़ा संबंध है जिसकी जड़ें कुछ और पीछे तक जाती हैं। और हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और अहिंसा का रास्ता चुन लिया तब उन्होंने अपने साथ 9 ऐसे लोगों को तैयार किया जो किसी न किसी एक विषय में महारत रखते थे और उन्हें सम्राट ने अपने विषय का गहराइयों से अध्ययन करने के लिए कहा, जिसके जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और ज्ञान
पीढ़ी दर पीढ़ी भविष्य तक पहुंच सके। इस तरह यह कहा जा सकता है कि जिस तरह के स्ट्रक्चर और उद्देश्य के साथ इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई थी, उस जैसा ही संगठन भारत में बहुत पहले बनना शुरू हो गया था और उस संगठन ने आगे चलकर भारतीय कल्चर को बहुत अलग अलग तरीकों से प्रभावित किया था। लेकिन क्या ऐसा कुछ सच में है या ये बातें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं? तो इसको लेकर एक बात बताई जाती है कि इल्यूमिनाटी को शुरू करने के पीछे जो मकसद था अपने समय के हिसाब से यानी कि 250 साल पहले बहुत ही रेवोल्यूशनरी कदम था, जो इस बात पर जोर देता था कि व्यक्ति को धार्मिक आडंबरों से हटकर अपनी तरह से जीवन यापन करना चाहिए। यानी कि इल्यूमिनाटी विज्ञान के साथ चलने की बात का पक्षधर था और यह बात उस समय के धर्म के ठेकेदारों को और राजाओं को पसंद नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1784 में इल्यूमिनाटी जैसे संगठन को बैन कर दिया गया था और इस तरह के संगठन से जुड़े सभी लोगों को मारने या देश से बाहर निकालने का हुक्म दे दिया गया था। मगर इसके बावजूद भी जब इल्यूमिनाटी खत्म नहीं हुआ तो जिस तरह के लोग पहले इस संगठन के खिलाफ थे, उस तरह के लोगों ने बाद में झूठी अफवाहों, गलत जानकारियों और किताबों के जरिए इस संगठन और संगठन की सोच को खराब करने का रास्ता पकड़ लिया था। और शायद इसी का परिणाम है कि आज भी हर दूसरी घटनाओं के पीछे बिना कोई सबूत के इल्यूमिनाटी का नाम जोड़ दिया जाता है। इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग देश विदेश में लोगों को विज्ञान और दर्शन की तरफ ले जाने के लिए तैयार हुए थे और अमेरिकी गृह युद्ध जैसे बहुत से मौकों पर उन्होंने लोगों के लिए काम भी किया था। तो यह मानना बिल्कुल भी सही नजर नहीं आता है कि इल्यूमिनाटी दुनिया पर कब्जा करने के मकसद से बनाया गया था। हर बात को लेकर दुनिया में दो पक्ष होते हैं और वो दोनों पक्ष पूरी ईमानदारी के साथ हमने इल्यूमिनाटी से रिलेटेड आपके सामने रखे हुए हैं। तो अभी आप पर निर्भर करता है कि आप अपने विवेक से क्या निर्णय लेते हैं। इल्यूमिनाटी क्या है भी या नहीं है, और है तो फिर कहाँ है, कितना बड़ा है, क्यों बनाया गया था और क्या काम करता आया है। इन सब प्रश्नों को लेकर हमें जो भी पक्ष सुनने को या पढ़ने को मिला हमने आपके सामने रखा है। बाकी सही बात तो यह है कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट संगठन था जिसके बारे में पुख्ता तौर पर हिस्टोरिकल बातें उतनी ही हैं जिन्हें 4-5 लाइंस में बताया जा सकता है। बाकी सभी तो कहानियां और किस्से हैं जिन पर कुछ लोग यकीन करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। आप किस तरफ है यह हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, एक वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, काफी रिसर्च लगती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।